अभी हम प्याजा दी रिपब्लिका में हैं, ये सामने जो है, और सनाया को जो है ये राइड लेनी थी, वो राग तो सो रहे हैं अभी। सनाया, जगह जगह आपको यहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट भी नजर आएंगे, ये देखें यहाँ पे इसके मुंह में अगर आप कोई भी कॉइन डालते हैं, अगर वो वापस नीचे गिर जाए तो आप गुड लक नहीं है, और अगर नीचे नहीं गिरता तो गुड लक है। ये रेप्लिका है डेविड की स्कल्पचर की, मैंने कोशिश की है सेंसर करने की। ये यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रिज है, दी पोंटे विक्कियो। ये वर्ल्ड वॉर टू में जो है भी सेफ हो रहा था ये। लास्ट ईयर जब हम लोग इस्तांबुल गए थे तो मुझे इस्तक्लाल स्ट्रीट जो है बहुत इंस्पायर करी थी, बहुत पसंद आई थी मुझे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद मेरी राय चेंज हो गई है। फ्लोरेंस बहुत सारे दोस्तों, इटली के शहर फ्लोरेंस से एक और नए ब्लॉग के साथ, दिस इज केके और दिस इज शर्मीन। इस सामने मुझे एक और ये कोई पॉइंट नज़र आया है, तो प्याजा ही कहलाते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स, तो देखते हैं जाके कि क्या ख़ास बातें हैं यहाँ पे। अभी हम प्याजा दी रिपब्लिका में हैं, ये सामने जो है, और सनाया को जो है ये राइड लेनी थी, वो राग तो सो रहे हैं अभी। सनाया, सनाया डिफरेंट किस्म, डिफरेंट नेम के बहुत सारे प्याजा बने हुए हैं यहाँ पे फ्लोरेंस में भी, तो हम ट्राई करेंगे जो जो कवर हो सकते हैं। सनाया, प्याजा दी रिपब्लिका से बस हम वॉक करके अब प्याजा सिग्नोरिया और पोंटे विक्कियो जो यहाँ का फेमस ब्रिज है, आप वहाँ जाएंगे वॉक करके, और ट्राई करेंगे व्यू पॉइंट भी आज ही कवर हो जाए, तो हमारे सारे मेन पॉइंट कवर हो जाएंगे। आई थिंक वन डे इज मोर एनफ फॉर। जगह जगह आपको यहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट भी नज़र आएंगे, ये देखें यहाँ पे खूबसूरत आर्ट वर्क। लोकल मार्केट है एक, तो यहाँ पे लाइक ओपन ही स्टॉल लगे हुए हैं, कार्ड बनी हुई है, यहाँ पे लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं। सब लेदर गुड्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे लोग लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आप, मैं एनिमल का नाम लेना नहीं चाह रहा इसका, इसके मुंह में अगर आप कोई भी कॉइन डालते हैं, अगर वो वापस नीचे गिर जाए तो आप गुड लक नहीं है, और अगर नीचे नहीं गिरता तो गुड लक है, और आप वापस फ्लोरेंस आएंगे। तो खैर ये इनका कॉन्सेप्ट है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी हम आ गए हैं प्याजा सिग्नोरिया और यहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह हैं, तो एक म्यूजियम है यहाँ पे जहाँ पे माइकल एंजेलो ने डेविड का स्कल्पचर बनाया था, तो उसको देखने लोग आते हैं। पीछे इसकी रेप्लिका बनी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं। तो बाकी ये के फेमस पॉइंट है ये भी, ये देखें यहाँ पे फाउंटेन बनाया हुआ है। प्याजा दी सिग्नोरिया में भी बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, बिल्डिंग्स बहुत डिफरेंट है यहाँ की कंस्ट्रक्शन जो है, इटली की, रोम में भी डिफरेंट थी और फ्लोरेंस में और अलग है। यहाँ पे कलर कम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है, बहुत लाइट कलर्स यूज़ किए हैं इन्होंने। ये सामने म्यूजियम है, ये रेप्लिका है डेविड की स्कल्पचर की,
मैंने कोशिश की सेंसर करने की। यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रिज है पी पोंटे विकियो। ये वर्ल्ड वॉर टू में जो है भी सेफ हो रहा था ये, बाकी सारे यहाँ पे डैमेज हो गए थे, तो इसकी हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी इसीलिए। और इसमें शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, अभी वॉक करके जाते हैं लोग यहाँ से। After a long walk in this beautiful city Florence, हमने find किया एक authentic restaurant, Italian जो food हमें serve करता है इस rainy weather में। इतना अच्छा खाना हमने आज तक नहीं खाया, freshly prepared food था और Italian food था, tiramisu था इनके पास, burrata, I love pasta, so burrata ने भी खूब enjoy किया और हमने भी enjoy किया। This restaurant is located in Florence। बस अभी हम लोग restaurant से निकले हैं, बच्चों को लंच डिनर कराया अभी, तो 5:15 PM हो रहे हैं यहाँ पे। और आप ये देखें खूबसूरत डेकोरेशन हुई है। और सराया तो यहाँ पे कवर होके बैठी। Rock. लास्ट ईयर जब हम लोग इस्तांबुल गए थे तो मुझे इस्तक्लाल स्ट्रीट जो है बहुत इंस्पायर करी थी, बहुत पसंद आई थी मुझे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद मेरी राय चेंज हो गई है। फ्लोरेंस बहुत प्यारी जगह है, और फ्लोरेंस क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जब भी USA या किसी और कंट्री से आते हैं तो बस डेज रखे होते हैं, 2 दिन वहाँ, 3 दिन वहाँ, लेकिन अगर क्योंकि टाइम इतना कम होता है तो कभी नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो सिर्फ एक ही सिटी में आऊँगा, और फ्लोरेंस एटलीस्ट अ वीक, और यहाँ पे इस जगह को इंजॉय करूँगा क्योंकि सारी वॉक है यहाँ पे, और आर्किटेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, म्यूज़िक है यहाँ पे, आर्ट है, कलर्स हैं, बहुत मज़ा है यहाँ पे, लेकिन टाइम बहुत कम है क्योंकि कल हमें यहाँ से जाना है, कल हमारा प्लान पीसा जाने का है, वहाँ से फिर हम चिंके तेरा जाएंगे, कल हमारा वहाँ स्टे इंशाल्लाह, तो लेकिन दिल कर रहा है मेरा यहाँ पे और रुकने का। मिलान और फ्लोरेंस का एक जो मेन डिफरेंस मुझे नज़र आया है वो ये है कि यहाँ पे बहुत स्लो है लाइफ, ना मज़े की लाइफ है, हसल बसल नहीं है, लेकिन
वहाँ पे बहुत अफरा तफरी थी रोम में ना, बहुत तेज़ तेज़ और बहुत रश था, क्राउड बहुत था, और वहाँ पे टेंशन हो रही थी कि पॉकेट पिकर बहुत थे वहाँ पे ना। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फ्लोरेंस में। बस अब हम होटल के करीब आ गए हैं, सुबह हमने यहीं से सेंटा मारिया चर्च जो है यहाँ से स्टार्ट किया था अपना ट्रिप। सुबह तो नहीं, लाइक ऑलमोस्ट 2 PM हो रहे थे और अभी 5:45 हो रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं। सारा वॉक ही की, इतनी ज़्यादा वॉक भी नहीं थी, हर चीज़ बहुत करीब करीब है, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है फ्लोरेंस में, आप बस वॉक करें और वॉक करके सब कर सकते हैं। बस हमारे एक जगह रह गई यहाँ की जो फेमस है व्यू पॉइंट, उसके लिए भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मतलब लाइक ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर था वो, तो बच्चों के साथ हम नहीं कर सकते थे, तो आप स्टेशन से बस के ज़रिए भी वहाँ जा सकते हैं और वापसी में भी वॉक करके आ जाएं वापस सेंट्रल स्टेशन के पास। तो सुबह ट्राई करूँगा मैं कि जा सकूँ वहाँ पर, तो फिर सुबह होती है कुछ। ये 24 आवर कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रहे हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स वगैरह हैं, क्रोसेंट हैं और कुछ सैंडविचेस भी हैं, और बाकी यहाँ पे टी वगैरह रखी हुई है।